बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की डायमंड जुबली आज़ादी मुबारक हो। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें 75 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए से। आज 12 अगस्त है इस वक्त और जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को 14 अगस्त को ये देखने को मिलेगी, क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे है और आज हमारे ऑफिस के अंदर कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना ज़्यादा दिखा सकता हूँ मैं दिखाऊँ कि हमारे ऑफिस में किस तरीके से जश्न आज़ादी को, इस डायमंड जुबली जश्न आज़ादी को हमारे मुल्क के पाकिस्तान की सेलिब्रेट किया गया है। और दोस्तों जाते जाते इससे पहले कि हम आगे लेके चले, आप लोगों को यही दुआ करेंगे कि ऐ मेरे मालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान को चोरों लुटेरों और डाकुओं से महफूज रख। आमीन सुम्मा आमीन। आज पास कर लें। अक्सर जमीन सात बात ईश्वर ऐसी ही सात बात निशान आजमी आज निशान आज पाकिस्तान सात बात रुको जरा सबर करो। पास जमीन सात बात ईश्वर हसीन शाता तू निशाने अज़मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाबान पाक सरज़मी का निज़ाम कुव्वते अख़ुव्वते अवाम को मुल्क सल्तनत पांडा ता बिंदाबाद मंजरे बुलाद परचमे सितारे मोहियार रहे बरे तरक्की ओ कमाल दर जुआने माजी शाने हार जाने इस्तकबाल सारे काफी सारी कंट्रीज इस तरह है जिसको ये आज़ादी की नेमत अभी तक नहीं मिली, तो हमें अपनी आज़ादी के मौके पर उन कंट्रीज को भी याद करना चाहिए, उन मुस्लिम कंट्रीज को, खासकर फलस्तीन हो गया, इधर कश्मीर में बहुत मुस्लिम मसाइल हैं, बर्मा के मुसलमान हैं, जहाँ कहीं पर भी मतलब मुसलमान ट्रबल में है या वो आज़ादी की इस नेमत से महरूम है, तो हमें उनको वहाँ में याद करना चाहिए और जहाँ तक पॉसिबल हो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से, हालांकि माली भी जो भी जहाँ पे मतलब हम कर सकते हैं तो उनके लिए हमें अपनी जो सपोर्ट है वो जारी रखनी चाहिए। और इस मौके पर अगर हम कंपेयर कर लें अपने आप को कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है 75 कंट्री में और बाकी दुनिया कहाँ पे खड़ी है, तो डेफिनेटली मतलब कुछ एफर्ट या कुछ तरह की तो पाकिस्तान ने की है, लेकिन अभी तक हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं।
और उसकी बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता कि क्यों हम पीछे हैं, लेकिन डेफिनेटली अभी जो एक होप है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि हम और आप जैसे नौजवान इस मुल्क का हिस्सा है जो कि एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, और इंटरनेट की वजह से दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है आज। अगर हम देखें तो कोई भी चीज़, मतलब अगर दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी है तो वो आप उसको सीख सकते हैं और उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये हमें इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूथ है और लोग ज़ाहिर है फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, हम इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आप मतलब से वक्त अलहमदिल्ला आज एक मुकाम पर हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हम उस तरह से इनपुट नहीं दे रहे हैं जिस तरह बाकी गूगल को अगर हम देख लें या टिकटॉक जैसी ऐप्स को हम देख लें, तो उस लेवल पे अभी हम नहीं पहुँचे और उसके लिए पहुँचने के लिए काफ़ी हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आप सब नौजवानों और सबके अंदर अलहमदिल्ला ताकत है, स्टेमिना है, अभी इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं है, तो कोई ना कोई स्किल आप लोग सीखें और उसमें एक अच्छा लेवल तक आप लेके जाए, अपने आपको वेल ट्रेंड प्रोफेशनल करें, ईमानदारी से हमेशा काम करें, कंसिस्टेंसी से काम करें, कोई भी ये ना कहे कि यार मैंने बस एक महीना इस काम में कर दिया और इसको मैंने सीख लिया अब मैं इसका बाबा बन गया, नहीं, कभी भी इस तरह नहीं होता। आप एक फील्ड में 10 साल भी गुजारें उसके बावजूद भी आप उसमें सीखते रहते हैं, उसमें ये नहीं होता कि आप जो है ना उसके बन गए बस साइंटिस्ट, आपको कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमेशा होती है हर फील्ड में कि आप कुछ ना कुछ लर्न करें, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। और मैं अपने एग्जांपल नहीं दूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं अकेला बन जाता, लेकिन अलहमदिल्ला आज आप लोगों के सामने है, 4 ब्रांचेस हमने ओपन किए हैं, 50+ एम्प्लॉयज हैं, और बजाय कि मैं एक जॉब सीकर बंदा बन जाता, मैं जॉब को देखता, मैं जॉब क्रिएटर बन गया, 50 लोगों को और भी ट्रेन कर रहा हूँ, इसमें से 50 हो सकते हैं कल अली भाई सी हो और उसके 50 एम्प्लॉय हो, तो एक सिलसिला चलता रहेगा। तो आज के बाद अगर हम फोकस करें और उसको देखें तो 25 साल या 30 साल बाद का जो पाकिस्तान होगा वो इंशाल्लाह आज से बहुत डिफरेंट होगा और हम भी जो वर्ल्ड के फर्स्ट कंट्री हैं उनकी लिस्ट में आएंगे। मैसेज है कि आप लोग काम करें ऑनेस्टी के साथ, लॉयलिटी के साथ, और अपने स्किल को इम्प्रूव करें और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करें, रेवेन्यू लेके आए, डॉलर लेके आए बाहर से, और यही हम मेरे ख्याल में सबसे ईजी वे है कि हम अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक बार फिर मेरी मदर आप लोगों के सामने है, मैं अपने मदर के साथ जा रहा हूँ अपनी एक परंपरा निभाने के लिए, वो मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले ये कि अब तक आप लोगों ने ब्लॉग जो देखा है आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और दोस्तों अभी तक तो आप लोगों ने हमारे ऑफिस के अंदर जो हमने सेलिब्रेशन की वो देखी, अब हम जा रहे हैं, वो परंपरा क्या है वो ये है कि हम लोग हर साल निकलते हैं 14 अगस्त को, 13 और 14 की दरमियानी शब को हम लोग जाते हैं देखने के लिए कि किस तरीके से हमारे पाकिस्तानी सारे जो है किस जोश जज्बे के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वही देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि इस बार रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम ने क्या कुछ किया हुआ है, किस तरीके से सजावट की हुई है, हम भी देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। मेरी मदर ने कह दिया आपको दिखाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे, फिर हो या ना हो, है? होगी यार, ऐसी थोड़ी बात तो होगी, इंशाल्लाह होगी होगी। चलिए ठीक है, चलो जी दोस्तों आवाज अब मुश्किल आएगी, यहाँ पे बाजे बज रहे हैं, हम इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं, आप लोग मेरे बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों तो माशाल्लाह ये है हमारी डायमंड जुबली जो आज़ादी है उसकी खुशियाँ मनाई जा रही है माशाल्लाह से, बहुत सारी फैमिलीज हैं, मैं उन लोगों की नहीं बना सकता वीडियो। नाउ टुडे आई एम मिसिंग माय बेटा एंड माय मिसेस, वो लोग होते तो हम लोग बड़े ज़बरदस्त अंदाज से जश्न आज़ादी मनाते हैं, हमारे पास जो फ्लैग होते हैं, आज असल में मैंने गाड़ी चलानी है मम्मा जान, वो मम्मा कहती है भाई मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उस तरीके से कहती मैं 14 अगस्त मना रहा हूँ, मम्मा 15 अगस्त मना रही हूँ। चले दोस्तों ये आप लोगों ने देखा माशाल्लाह, एक दफा तो दिखा रहे हैं बड़ी दूर दूर तक है माशाल्लाह से, ठीक है दोस्तों, जिससे ज्यादा मैं नहीं दिखा सकता।
थोड़ी सी ले लेते हैं, क्या हम आगे चलते। जी दोस्तों, तो अब तक आप लोगों ने जो कुछ देखा कैसा लगा बताइएगा। हमने आपको दिखाया है ग्राउंड पिंडी के अंदर। हम इस वक्त माल रोड के ऊपर मौजूद हैं। ये सारी माल रोड की डेकोरेशन सी और भी हैं, कोशिश करूंगा रिकॉर्ड करने की, क्योंकि एक तो मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, साथ में मुझे रिकॉर्डिंग करना एक थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल टास्क है। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करेंगे। अब हम जाने लगे हैं दोस्तों इस्लामाबाद के अंदर, वहां पर जाके देखते हैं कि किसने किसने किस किस्म की डेकोरेशन की हुई है। दोस्तों खुशी के मारे ना मेरे मुंह से अल्फाज ना उल्टे सीधे निकल रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें एक आजाद मुल्क के अंदर पैदा किया और आजादी हमारी सलामत रहे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए दोस्तों चलते आगे, कम ऑन विद मी। दोस्तों तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के अंदर, और इस वक्त आप लोग मेरे पीछे फैसल मस्जिद का एक मॉडल देख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मुख्तलिफ सुबह की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इन लोगों ने मॉडल्स बनाए, वहाँ पे साइबर भी बनाया है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों माशाल्लाह यहाँ पे भी बाजे बज रहे हैं, और बाजे बजने के ऊपर मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाऊंगा। अरे बाजा भी बजा रहे, बंद करो बाजा। हम तो फिर बाजा बजा रहे हैं, जो मुल्की बैंड बजाते हैं उनका क्या। जी दोस्तों आप लोग मेरे पीछे मज़ारे काइज के मॉडल देख रहे हैं, ये मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, माशाल्लाह जो जोश जज्बा आवाम के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा दीदनी है, और अल्लाह ताला हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरीके से पीछे ज़ियारत रेजिडेंसी, फैसल मॉस्क और बाबे खैबर की भी है, लेकिन वहाँ पर फैमिलीज बहुत ज़्यादा है, मैं वहाँ पर इस तरीके से आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को थोड़ी सी उसके सिनेमेटिक्स वगैरह दिखाने की कोशिश करूँगा। आप सब लोगों को एक मरतबा दोबारा जश्न आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों अब जो आप लोग देखेंगे ये होगा बाबे खैबर, उसकी आप लोगों को दिखानी है, ये देखें। इस्लामाबाद के अंदर हमारे सामने ये आप आवाम का जोशो खरोश देखें, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, आवाम की आवाज़ आ रही है, पाकिस्तान की आवाज़ आ रही है। इस पर कहते हैं हमें मना किया गया था कुछ शख्सियात की जानिब से कि नहीं आप लोगों ने नहीं मनाना, सादगी से मनाना है, तो उनके लिए जवाब है कि अंकुल गुलाम है जो आप हम मान लें, नहीं ना तो फिर हम पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तानी आवाम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोग इंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी मम्मा से पूछूंगा आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आप लोगों का मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल अली सब्सक्राइब मेरे चैनल का नाम नहीं है, अली फ्लिक्स मेरे चैनल का नाम है, अली फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी जरूर टैप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों चलते हैं, और इस अपने मन के साथ मुलाकात करते हैं कि अल्लाह ताला से आप लोग दुआ करेंगे हमारे वतन के लिए कि हमारा वतन की खुशी अल्लाह ताला कायम दायम रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।